जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमन प्रयास जीके जिस पर। तो जैसा कि दोस्तों आज है 4 अगस्त, तो 4 अगस्त का जो आपका SSC सिलेक्शन फेस 10 का एग्जाम था फर्स्ट शिफ्ट का, वो आपका समाप्त हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों का भी एग्जाम था अच्छा गया होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जीके जीएस के कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं जिसे कि दोस्तों हम लोग देखेंगे, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल एनोटेटिक प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और किसी प्रकार की समस्या होता है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, PDF के लिए भी मैसेज कर सकते हैं। हालांकि आपका टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे PDF को प्रोवाइड कर दिया जाता है। और इसके बाद दोस्तों जिन लोगों का भी एग्जाम है आपका सेकंड या थर्ड या कल, तो वो लोग भी हमसे संपर्क कर सकते हैं अपने शिफ्टों को क्वेश्चन बताने के लिए। तो दोस्तों वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन जो देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो आया था कि आपका लाट डलहौजी की हड़प नीति के तहत हड़पा गया पहला राज्य। आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों लाट डलहौजी जो कि दोस्तों आपका गवर्नर था, वायसराय था दोस्तों आपका भारत का, जब ब्रिटिश शासन भारत का चल रहा था तो उस समय जो व्यपगत का सिद्धांत था जो कि दोस्तों लाट डलहौजी के द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो उसके अनुसार जो विलय किया गया जो पहला राज आपका था ना, वो आपका सतारा था। तो आपको ऑप्शन में सतारा जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो मार देना है सतारा। सतारा के राजा अप्पा साहब थे जिनकी मृत्यु के कुछ समय पूर्व की ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति के बिना एक दत्तक पुत्र बना लिया था। लाट डलहौजी ने इस शासित राज्य घोषित कर इसका विलय कर दिया। व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति की बात करें दोस्तों, डॉक्टर ऑफ लेफ्ट जो कि 1848 से 1856 के बीच में लाया गया था आपका, लॉर्ड डलहौजी के समय पैतृक वारिश के न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति को ही व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति कहा जाता है। यह परम सत्ता के सिद्धांत का उप सिद्धांत था जिसके द्वारा ग्रेट ब्रिटेन ने भारतीय उपमहाद्वीप के शासकों के रूप में अधीनस्थ भारतीय राज्यों को संचालन के उनको तदाधिकार के व्यवस्थान का दावा किया है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था कि इनमें से कौन सा जो ट्रॉफी है वो क्रिकेट से संबंधित है। तो दोस्तों उसमें आपका जो विजय हजारा दिया गया था वो आपका क्रिकेट से संबंधित है। तो विजय हजारा ट्रॉफी जिन्होंने भी मारा होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात करें दोस्तों विजय हजारा ट्रॉफी का, तो विजय हजारा ट्रॉफी घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। विजय हजारा ट्रॉफी को भी रणजी वनडे ट्रॉफी के रूप में माना जाता है। वर्ष 2002 और 2003 में एक सीमित ओवर के रूप में इस टूर्नामेंट को शुरू किया गया था। रणजी ट्रॉफी प्लेट से राज की टीमों से जुड़ी घरेलू प्रतियोगिता, ये प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे के नाम पर है। तो विजय हजारे जो कि दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है, तो आपका प्रश्न था कि ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो दोस्तों आपका विजय हजारे ट्रॉफी आपका क्रिकेट से संबंधित है। अगला दोस्तों आपका आया था 46वां संविधान संशोधन 2002 किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दिया गया था। तो दोस्तों यहां पर हम देखते हैं जीके, जैसे कि इन्होंने बताया कि तो दोस्तों भारत का जो संविधान है 46वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 एक अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। राज्यों को 6 से 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा निवास शिक्षा उपलब्ध करानी होगी, ये संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगी। तो दोस्तों बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और निवास शिक्षा उपलब्ध कराना आपका शिक्षा के अधिकार से संबंधित था आपका 46वां संविधान संशोधन 2002 जो कि दोस्तों आपका 21A के तहत जोड़ा गया था मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार आपको मालूम होगा 12 से 35 अनुच्छेद में संबंधित है, जो भाग 3 में दोस्तों आपका मौलिक अधिकार वर्णित है। तो इसके अलावा दोस्तों आपका आया था पानीपत का द्वितीय युद्ध आया था। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है उत्तर भारत के हेमचंद और विक्रमादित्य, जिसका नाम लोकप्रिय नाम हेमू था, अकबर की सेना के बीच 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के मैदान में लड़ा गया था, ठीक है। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन आपका क्या आया था, यही आया था किसके बीच हुआ था। तो अकबर और हेमू के बीच दोस्तों आपका हुआ था कब, तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर का जो सेनापति था आपका खान जमान और बैरम खान के लिए एक निर्णायक जीत थी। बैरम खान की जीत की भूमिका इस युद्ध में वो ज़्यादा थी क्योंकि अकबर का जो उस समय उम्र था दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं था। इस युद्ध के फलस्वरूप दिल्ली को वर्चस्व के लिए मुगलों अफगानों के बीच संघर्ष चलने वाला अंतिम रूपों से मुगलों के पक्ष में निंदित किया गया, अगले 300 वर्षों तक मुगले के पास ही रहा। तो दोस्तों आपका जो युद्ध है पानीपत का द्वितीय युद्ध आपका हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था। अगला पूछा दोस्तों कि भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया था, दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ इत्यादि। तो वाराणसी है जो कि दोस्तों भारत का सबसे पुराना शहर है और सबसे पुराने धर्म हिंदू धर्म को जन्म स्थान भी है। बनारस या काशी के नाम से भी जाना जाता है। यह सर्वोत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के तट पर स्थित हुई 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आया था। तो आपका जो वाराणसी था वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा।
इसके अलावा दोस्तों आपका आया था कि इनमें से कौन से हैं जो कि तबला वादक हैं, तो तबला वादक आपका आया था, तो इनमें से जो जो जाकिर हुसैन जी हैं, जाकिर हुसैन जो कि दोस्तों आपका तबला वादक है, तो जाकिर हुसैन जिन लोगों ने करेक्ट किया होगा वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन है तबला वादक? तो जाकिर हुसैन दोस्तों आपका तबला वादक की भूमिका में आपके आते हैं। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका कि इनमें से कौन सा टॉपिक, तो ये हो गया है आपका जाकिर हुसैन से संबंधित प्रश्न भी हो गया है। और दोस्तों स्पोर्ट्स से इस बार दो से तीन क्वेश्चन पूछे गए थे आपका, तो देख लेना है। एंटोन सिनोनिम से दोस्तों कुछ छः क्वेश्चन पूछे गए थे। डांस और दोस्तों डांस और आपका जो लोकप्रिय नृत्य है डांस और फेस्टिवल से दोस्तों अब 6 से 7 क्वेश्चन इस में आपका पूछे गए हैं। तो दोस्तों प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार प्लेलिस्ट को जाकर विजिट कर लीजिएगा, तो दोस्तों आपको अगले शिफ्ट में जो एग्जाम होगा उसमें दोस्तों कुछ हद तक मदद मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए इतना ही प्रश्न अभी तक मुझे प्राप्त हुए हैं, जैसे जैसे प्रश्न मिलते जाएंगे दोस्तों मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया करूँगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा तथा दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो नोटिफिकेशन बिल्कुल दोस्तों ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।